फ्रेंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्पेन की मोटर की वाइंडिंग कैसे करें। दोस्तों ये हमारी एलजी कंपनी का स्टेटर है ये वाला, और इसकी जो है वाइंडिंग करनी है हमें। तो वाइंडिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें ये पेपर लगाना पड़ता है, ये पेपर हमने लगा दिया है। और इसमें कितने टर्न करने हैं और कॉइल कितनी लंबाई की बनानी है, और दोस्तों इसमें कौन से नंबर का जो है गेज करना है। दोस्तों ये तीन कॉइल मैंने बना ली हैं और एक मैंने नाप एग्ज़ाम्पल तौर पर बनाई थी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं कि 20.5 इंची पर बनानी चाहिए और क्या 20 इंची पर। तो दोस्तों अगर आपको बिल्कुल फिक्स को इसकी जो है बंधाई रखनी है, यानी कि नॉर्मल जैसे कंपनी की आती है, तो आपको जो है इसकी 20 इंची लंबाई रखनी है कॉइल की, और जिसमें आपको जो गेज लेना है 30 नंबर गेज लेना है, कॉपर या एल्युमिनियम भी आप ले सकते हो। तो फ्रेंड ये मैंने जो कॉपर में इसकी वाइंडिंग है और इसमें 30 नंबर गेज है, और इसकी कॉइल की जो लंबाई है, इसकी कॉइल की लंबाई है 20 इंची। तो 20 इंची जो है बिल्कुल करेक्ट आया है, क्योंकि ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है 1 इंची से थोड़ी सी कम है, 1-2 mm। तो आप ऐसी में जो है 20 इंची लंबाई ले सकते हैं, जिसकी यहाँ से मोटाई 1 इंची है ना, तो उसमें आप 20 इंची की दूरी पे दूरी बना करके कॉइल की तो आप जो है ले सकते हैं। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे इसमें जो है 140 जो टन है, और जी के इसमें 30 नंबर गेज है, और इसकी कॉइल की लंबाई जो है 20 इंची है, और इसकी पिच जो है देख सकते हो, इसकी पिच मैंने कुछ इस तरीके से रखी है, बीच में 2 खाने छेके हैं, पहले में 1 राउंड है, इन दोनों में 1-1 राउंड, 4 में, और ये जो है लास्ट वाली कॉइल इनमें है 2-2 राउंड, यानी कि इसकी पिच मानी जाती है 1-4 और 1-6, यानी कि यहाँ से गिनोगे 1-2-3-4 और यहाँ से गिनोगे 6, 1-2-3-4-5-6। तो चलिए दोस्तों अब मैं करता हूँ इसकी वाइंडिंग, और हमारी ये वीडियो अगर आपकी समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अब इसमें जो है, जैसे अगर चारों सेट आप एक साथ बना करके अगर इसको बांधोगे और इसकी वाइंडिंग करोगे, तो आपको जो है इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी इसकी सीरीज को घुमाने में, यानी कि इसके कनेक्शन एक साथ जो सेट बनाते हैं तो उसके कनेक्शन हाथों हाथ ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली हमने 3 कॉइल एक साथ बनाई हैं, और अब हम जो है इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये इसका कोना लेना है, ये समझ लीजिए कि अब हमारी वाइंडिंग जो शुरू से हो रही है। और जब भी आप वाइंडिंग करें तो इसमें देख सकते हो ये जो 2 खाने हैं, जो सबसे बड़ा वाला खाना है, ये वाला सबसे बड़ा वाला खाना है, इससे स्टार्टिंग करनी है, और बड़े वाले से बीच में 2 खाने छोटे छोड़ने हैं, क्योंकि दोस्तों ये इसकी कंपनी की तरफ से ऐसे ही बंधाई जाती है, और जी के हमारी कॉइल जो है बिल्कुल इस तरीके से उसमें आ जाती है कोर में ही, अगर हम यहाँ से यहाँ बांधेंगे तो ये वाइंडिंग हमारी गलत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको बांध करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड मैंने देख सकते हो ये कॉइल डालने चालू कर दिए, सबसे पहले मैंने अपने तार का सिरा अपने कोने पर करा है, और अब मैंने इस पर जो है शीट पेपर लगा दिया है, दूसरा कोने पर भी अब देख सकते हो मैं दोस्तों शीट पेपर लगा रहा हूँ। अब क्या काम करना है, इस तरीके से इसको देखो फोल्ड करना है इस तरीके से, और इस तरीके से फोल्ड करके एक फेर तो नीचे वाली में हो गया, और जो दूसरी वाली कॉइल है उसमें 2 फेर डालने हैं, यानी कि सबसे पहली कॉइल जिसकी 1-4 पीस थी उसमें 1 फेर डाला है, और जी के अब जो दूसरे कॉइल में डालने हैं, हालांकि उसके खाने छोटे हैं लेकिन उसमें जो है 2 फेर डालने हैं। देख सकते हो दोस्तों ये सीरीज वाला तार मैंने इधर ले रखा है, और ये वाली तार को ही मैं, और इसका गेज नंबर हमेशा दोस्तों याद रखना, या आप 31 नंबर से बांधें तो आपको करने हैं 130 टन, 130-125 मोटर जो है टाइट, और जी के अगर 30 नंबर से बांधेंगे तो आपको जो है 140 टन करने हैं इसमें, और 30 नंबर गेज एल्युमिनियम हो या कॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे इसकी वाइंडिंग नीचे की हो रही है ऐसी ही वाइंडिंग इसमें स्टार्टिंग देख सकते हो, ये डाल दिया है। अब जो है जितनी हमारी कॉइल हमें रखनी है उतनी ही छोड़नी है, और एक्स्ट्रा जो है देख सकते हो दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आ रही होगी हमारी ये वीडियो। देख सकते हो दोस्तों ये बिल्कुल, यानी कि इसकी अगर 20.5 इंची इसकी कॉइल की नीचे, जैसे ये रनिंग की कॉइल है 20.5 इंची रखोगे तो भी कोई परेशानी ना है, और अगर 20 इंची रखोगे तो ये आपकी मोटर जो है टाइट बंधेगी जिस तरीके से कंपनी से बनती हुई आती है। अब दोस्तों इसमें अंतर क्या है 20 इंची और 20.5 इंची में, तो दोस्तों अगर 20 इंची पर आप कॉइल बनाओगे सेम टन रखोगे कंपनी के बराबर, तो आपका जो तार है वो तार जो है थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा 20.5 इंची में, आपकी मोटर आसानी से बन जाएगी
और अगर आप 20 इंची में बांधोगे तो जितना कंपनी से तार आता है उतना ही तार लगेगा, और आपको जो है एक्स्ट्रा तार डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देख सकते हो दोस्तों, ये कॉइल मैंने डाल दी है, तो उसका यही मतलब होता है। तो दोस्तों अगर आपकी तरफ 50 ग्राम करते हैं कॉइल में, 20 इंच की अगर आप कॉइल बनाओगे तो टोटल 80 ग्राम लग जाता है। जैसे 8 कॉइल इसमें नए हो तो थोड़ी सी 80 ग्राम तार तुम मानो, ये 100 ग्राम मान लो, 200 ग्राम तार कितने का हो जाता है। नहीं तो दोस्तों तार का भी नाम आता है, जो अगर आपने तार की लंबाई अगर बढ़ाई दी तो समझ लेना आपका कम से कम 50 ऊपर से बनाई तरीके से है, तो लगा लो 80-90 रुपये तो आपका तार ही मिल जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हो, मैं दूसरा वाला सेट डाल गया हूँ। अब इसका जो ये तार देख सकते हो, सीरीज का तार मुझे अगर लेना है तो ये मैंने सीरीज का तार ले लिया है दूसरे वाले कोने पर। तो पूरी मोटर इसी तरीके से बननी है जिस तरीके से अब हम इसको मानेंगे। तो दोस्तों फिर इसी तरीके से देखो, मैंने इसमें पेपर लगा लिया है, इसमें भी पेपर लगा लिया है। अब मैं इसमें पहला राउंड मैंने कर दिया है, अब मैं दूसरे वाले कॉइल में दो राउंड करने हैं मुझे, यानी कि पहले चार एक राउंड करा है और दूसरी जो छः पीछे एक से छः उसमें मुझे डबल राउंड करने हैं। दोस्तों इसी तरीके से पूरी वाइंडिंग होनी है, रनिंग की भी और स्टार्टिंग की भी। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और एक इमोजी जरूर सेंड करना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसकी वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा ख़राब ना हो। We'll be right back.
जा देखिए